हेलो फ्रेंड्स, आज हम पॉकेट लगाना सीखेंगे सलवार में। तो ये देखिए बेल्ट है, बेल्ट की मैंने कटिंग की हुई है ताकि वीडियो हमारी ज़्यादा लंबी ना हो जाए। तो इसमें हम पॉकेट लगाना सीखेंगे। तो इसकी जो लेंथ है वो है 8 इंच की, ठीक है। अगर आप मतलब ज़्यादा चौड़ी इलास्टिक डालना चाहते हैं तो आप बेल्ट का साइज़ थोड़ा सा बढ़ा लें, 1 इंच 9 इंच कर लें, ठीक है। तो इसमें मैंने 0.5 इंच की इलास्टिक डालनी है, तो इसलिए मैंने 8 इंच की बेल्ट ली है, ठीक है। इसकी जो लंबाई है वो है 21.5 इंच की, ठीक है। अब यहाँ से हम इस तरीके से फोल्ड नहीं करेंगे क्योंकि हमें नाड़ा नहीं डालना है, इलास्टिक डालनी है। तो इसलिए हमने इसके जो ऊपर से ही सिलाई स्टार्ट कर देनी है, ठीक है। इस तरीके से हमने साइड से इसको स्टिच कर देना है, ठीक है। उसके बाद दूसरी साइड से भी हम स्टिच कर देंगे। दोनों साइडें मैंने स्टिच कर दी हैं। अब मैंने सेंटर से सेंटर मिला दिया। अब इसको बिल्कुल किनारे से हमने कट नहीं करना है, थोड़ा सा 1.5 इंच का गैप छोड़ते हुए यहाँ से कटिंग करेंगे, क्योंकि एकदम बिल्कुल साइड में पॉकेट आ जाती है तो अच्छा नहीं लगता है। थोड़ी सी अंदर की साइड में आएगी तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, ठीक है। ये वाली सिलाई लगाते समय आपने क्या करना है, पहले देख लेना है कि पॉकेट हमारी राइट हैंड की तरफ लगनी चाहिए, ठीक है। तो हमने बेल्ट को सीधा कर लेना है, ठीक है। फिर उसका सेंटर मतलब मिलाते हुए फिर यहाँ से इस तरीके से हम देख लेंगे कि हमारा राइट हैंड की तरफ पॉकेट आ रही है, तो तब हम ऊपर वाली सिलाई लगाएंगे जो नेफा जहाँ पे फोल्ड होता है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे 1.5 इंच लिया। अगर आप मतलब 2.5-2 इंच की मतलब इलास्टिक डालना चाहते हैं तो आप ऊपर जो नेफा फोल्ड करते हैं वहाँ पे आपने 2.5 इंच छोड़ना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने 1.5 इंच छोड़ा है नेफा फोल्ड करने के लिए, और 5.5 इंच का मैंने पॉकेट में हाथ डालने के लिए छोड़ा है, और नीचे हमने 0.5 इंच छोड़ा है सिलाई में जो जाएगा जहाँ पर हम बेल्ट अटैच करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमने 1.5 इंच तक हमने सिलाई लगानी है, उसके बाद हमने सिलाई नहीं लगानी है, 5.5 इंच तक सिलाई नहीं लगानी है। फिर उसके बाद हमने यहाँ पे 0.5 इंच या 1 इंच जितना भी हमने छोड़ा है उतनी हमने सिलाई लगानी है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने ये सिलाई लगा ली। अब यहाँ पे हमने इसको ऐसे मतलब फोल्ड करना है, इस तरीके से नाखून लगा के सीधा कर लेंगे, और सीधा करने के बाद हमने इस कपड़े को भी मतलब फिनिशिंग देनी है, फोल्ड करना है। चाहते तो हम इसी तरीके से सिलाई लगा सकते थे, लेकिन फिनिशिंग मतलब करनी ज़्यादा अच्छी बात है, तो इसलिए हमने इसको ऐसे फोल्ड करना है, और फोल्ड करने के बाद एक सिलाई लगा देंगे, ठीक है। इस तरीके से जैसे हम स्लेट्स फोल्ड करते हैं ना, उसी तरीके से हमने इसको भी फोल्ड करना है। तो दोनों साइड से हमने इसको फोल्ड कर देना है, ठीक है, इस तरीके से। और ये बहुत ही आसान तरीका है बेल्ट लगाने का, और भी इस तरीके से मैंने बेल्ट लगाना सिखाया है। अगर आप वो देखना चाहते हैं, जो भी तरीका आपको अच्छा लगे उसी तरीके से आप पॉकेट लगा सकते हैं सलवार में। तो ये देखिए, ये बेस बन गया है मेरा। अब हमने पॉकेट लगानी है, तो पॉकेट की जो लेंथ है वो मैं आपको बता देती हूँ। जितने डीप रखने चाहते हैं उस हिसाब से आप लगाएं। तो यहाँ पे मैंने 14.5 इंच मतलब डबल फोल्ड में ली है लेंथ, और जो चौड़ाई है उसकी 6.5 इंच ली है। अब इसका हमने सेंटर बना लेना है इस तरीके से, ठीक है। और ये तरीका बहुत ही आसान है पॉकेट लगाने का, तो इसको ज़रूर ट्राई करिएगा, और एक बार में ही आप पॉकेट लगाना सीख जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से ये मैंने सेंटर बना लिया, और सेंटर बनाने के बाद बेल्ट को हमने इस तरीके से उल्टा करना है, और यहाँ पे आपने देखना है यहाँ तक हमारी सिलाई आनी चाहिए, क्योंकि 0.5 इंच की इलास्टिक मैंने डालनी है। अगर मैं 1 इंच या 1.5 इंच की डालती तो ऊपर वाली साइड मैंने बढ़ा देनी थी, मतलब बेल्ट का साइज़ हमने 9 या 9.5 इंच कर देना था। तो ये मैंने 8 इंच की बेल्ट ली है। 8 इंच की बेल्ट के लिए आप इतनी चौड़ी ही इलास्टिक डाल सकते हैं। तो यहाँ पे हमने सेंटर बनाया हुआ है पॉकेट का, ठीक है। तो इस तरीके से हमने इसमें सिलाई लगानी है। इसको थोड़ा सा ऐसे फोल्ड कर लेंगे फिनिशिंग मतलब आने के लिए। चाहे तो आप ऐसे इसको फोल्ड करने के बाद ऊपर से हमने सिलाई लगा देनी है। दोनों साइडों से हमने थोड़ा थोड़ा कपड़ा अंदर की तरफ फोल्ड कर देना है फिनिशिंग के लिए, ठीक है। इस तरीके से चाहे तो आप ऐसे भी लगा सकते हैं सिलाई, लेकिन फिनिशिंग थोड़ी कर देंगे तो ज़्यादा अच्छी लगेगी देखने में भी। तो इस तरीके से हमने दोनों साइड में थोड़ा थोड़ा फोल्ड किया और ऊपर वाली साइड में सिलाई लगा दी, और फिर हमने कपड़े को इस तरीके से करना है, और नीचे वाली साइड से हम फोल्ड नहीं करेंगे। तो यहाँ पे ऐसे रखते हुए यहाँ पे सीधी सिलाई लगा देंगे, क्योंकि यहाँ पे हमने बेल्ट को अटैच करना है, ठीक है। अगर इस तरीके से हम पूरा मतलब स्टिच कर देंगे तो बेल्ट हमारी अटैच नहीं हो पाएगी। तो इस तरीके से हमने पहले इसको ऐसे सिलाई लगानी है, ठीक
ठीक है, पॉकेट के कपड़े को, और फिर से हम निकाल देंगे इसको, सिलाई को। और निकालने के बाद फिर हमने क्या करना है, इसको ऐसे बेल्ट को सीधा करेंगे, कपड़े को सीधा करेंगे पॉकेट वाले को। फिर हमने जहाँ पे फोल्ड किया था जितना जितना कपड़ा, उतना ही फिर से हमने फोल्ड करना है जहाँ तक हमने पॉकेट अटैच करी है। ठीक है, यहाँ पे इस तरीके से ऐसे फोल्ड करते हुए कपड़े को सेट कर लें। नीचे वाले कपड़े में भी झोल वगैरह नहीं आने चाहिए। ऐसे सेट करते हुए ऊपर वाली स्लाइड, मतलब साइड में हमने अच्छे से सेट करते हुए सिलाई लगा लेनी है। और ये देखिए, यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, यहाँ तक आपने सिलाई मतलब बंद कर देनी है। उसके बाद आपने सुई को उठाना है और ये जो नीचे वाला कपड़ा है ना, इसको आपने अंदर की तरफ ऐसे कर देना है, क्योंकि यहाँ पे हमारी बेल्ट अटैच होगी। अगर हम सीधा ही सिल देंगे तो फिर बेल्ट जो सलवार है, जैसे हम चोने डालेंगे तो उसको अटैच करने में थोड़ी सी दिक्कत होगी। आप इस तरीके से आप इसको यहाँ तक आ जाएं, सिलाई कर लें और उसके बाद मशीन को थोड़ा सा उठा करके कपड़े को पीछे की तरफ कर दें, तो आपका जो बेल्ट भी आसानी से लग जाएगी। ठीक है, जो सलवार में आपने जोड़े डालनी हैं वो भी आसानी से पड़ जाएंगी। तो इस तरीके से एक साइड मैंने कर दी है कंप्लीट, और दूसरी भी इसी तरीके से मैंने करनी है। ठीक है, और जो कपड़ा हमने अंदर की तरफ मोड़ा है, धागे वगैरह आप कट कर लें, साथ साथ फिनिशिंग करते जाएँ तो ज़्यादा अच्छा है, नहीं तो फिर बाद में अगर छोड़ देंगे तो बाद में काम रह जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से फिर दूसरी साइड में भी आपने सिलाई लगानी है, और जहाँ तक पॉकेट अटैच है, ये देखिए यहाँ तक पॉकेट अटैच है, और वहाँ तक ही आपने सिलाई लगानी है। पूरी सिलाई नीचे तक नहीं लेके जानी है, और यहाँ पे आप पक्का कर देंगे। पक्का करने के बाद आपने मशीन को उठाना है और इस तरीके से कपड़े को टर्न करना है अंदर की तरफ, और फिर से आपने इस तरीके से फिनिशिंग से पॉकेट को दोनों साइडों से बंद कर देना है। ठीक है, इस तरीके से आप देख पा रहे होंगे। अगर आपको पॉकेट की लेंथ थोड़ी सी लंबी लगती है तो आप इसको कट करके थोड़ा सा छोटा भी कर सकते हैं, नहीं तो आप इतनी ही लेंथ रहने दें। ठीक है, यहाँ पे ये देखिए पॉकेट हमारी लग गई है। ठीक है, अब इसको हमने सलवार के साथ अटैच करना है, तो वो मैं आपको यहाँ पे नहीं बताऊँगी। अगर आप देखना चाहते हैं तो मेरी वीडियो को सर्च करके आप देख सकते हैं, वहाँ पे मैंने सिखाया हुआ है कि कैसे आपने बेल्ट अटैच करनी है। तो ये देखिए पॉकेट लग चुकी है। तो आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी, प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और ये देखिए साइड में बिल्कुल नहीं है पॉकेट, बिल्कुल थोड़ी सी अंदर है, और उसके बाद आप हाथ जो है आसानी से आपका जा सकता है। ठीक है, और उसके बाद आपने ऊपर वाली साइड में नेफा फोल्ड करना है। ठीक है, इस तरीके से नेफा फोल्ड करेंगे। जितनी चौड़ी आपने इलास्टिक डालनी है उतनी चौड़ी ही इलास्टिक डालेंगे इसमें, उसी हिसाब से मैंने यहाँ पे फोल्ड किया है नेफा। अगर आप चौड़ी इलास्टिक डालना चाहते हैं तो आप बार बार, मैं कह रही हूँ, 1 इंच लेंथ बढ़ा लें। तो ये देखिए पॉकेट मेरी लग के तैयार है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो देखने के लिए।